हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। आज से बेटा आपकी, जैसा कि लिखा है, रीजनिंग की जर्नी स्टार्ट हो रही है। बेटा, रीजनिंग आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको यूट्यूब के माध्यम से, और रिलेवेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे विथ कंसेप्ट एंड स्मार्ट अप्रोचेस के साथ। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे फ्री मिलेंगी। आप चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सिलेबस क्या है रीजनिंग का। कई बच्चों का डाउट होगा कि रीजनिंग जो आप सीरीज स्टार्ट की है कि किस किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराएगा। तो आपको सबसे पहला यही डाउट मैं क्लियर कर दूं, ये जर्नी जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, यूपीएससी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंक, पुलिस, स्टेट लेवल एंड अदर गवर्नमेंट, कोई भी आपका एग्जाम हो, जहां कहीं भी आपकी रीजनिंग आती है बेटा, ये जर्नी आपको सारा क्वालिफाई कराएगी आप। तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया किस किस एग्जाम को क्वालिफाई कराएगा। जैसे कि आप कंपिटेटिव एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग में, रीजनिंग को लेकर के, तो आपका दो पैटर्न में रीजनिंग को कैटेगराइज किया गया है। एक पैटर्न आपको एसएससी का फॉलो कर रहा है और दूसरा पैटर्न आपको बैंक का फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम आपको एसएससी को टारगेट करके पढ़ाएंगे और आपको टोटल 46 चैप्टर इसमें पढ़ने पड़ेंगे। कितने बेटा? 46 चैप्टर की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हर एक टाइप करवाया जाएगा, कोई भी टाइप आपको छोड़ा नहीं जाएगा, लेवल वाइज आपका रहेगा। बस आपका काम क्या है, एक कर्तव्य है आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं, इसके सिलेबस को देखते हैं बेटा, रीजनिंग के सिलेबस को देखिए। अपना सिलेबस देखिए एक बार, 20 चैप्टर आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे, एंड 36 हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे और देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके कुछ बेटा नॉन वर्बल के चैप्टर हैं, और अगेन इसमें नॉन वर्बल में आपके 10 चैप्टर हैं। तो टोटल चैप्टर की बात करें तो आपके कितने चैप्टर हैं? 46 चैप्टर, 46 चैप्टर। तो कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट आई कि सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से स्टार्ट किया जाए, तो चलिए उसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और जो बेटा आपका रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस है, सारा की सारा पूरा आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है, दैनिक जीवन से रिलेटेड है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। पूरी की पूरी रीजनिंग रियल लाइफ से रिलेटेड है। कौन सा चैप्टर की स्टार्टिंग करें? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड, ये बेटा एंड का होता है सिंबल, डिस्टेंस, डिस्टेंस, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। बेटा इस चैप्टर को हम आपको टाइप वाइज पढ़ाएंगे, 8 से 9 टाइप आपको पढ़ने पड़ेंगे। इससे बाहर इस चैप्टर से कोई भी सिंगल एक भी कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सारे के कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन्हीं टाइपों के बीच में से आएगा, 7 8 से 9 टाइप के बीच में से। अब बात आती है कि आप ये बताइए, जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, दिशा और दूरी, आप ये बताइए आपके जो पोल होते हैं कितने होते हैं? आप बोलेंगे 4 पोल होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, करेक्ट। चलिए अब उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। डायरेक्शन आपकी कितनी होती हैं? 4। 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। राइट हैंड साइड पे आपका क्या होगा? ईस्ट, हिंदी मीनिंग होगी इसकी पूर्व बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे होगा आपका वेस्ट,
पश्चिम। ये अपर साइड में होगा आपका नॉर्थ, उत्तर, एंड लोअर साइड में आपका हो जाएगा ये साउथ। कौन सी डायरेक्शन बेटा? साउथ डायरेक्शन, दक्षिण। ये आपकी बेटा फोर मेन डायरेक्शन होती हैं, फोर मेन डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, करेक्ट। अब बेटा ये आपकी फोर मेन डायरेक्शन हो गई और इनकी फोर सब डायरेक्शन होती हैं। वो कौन सी होती हैं बेटा देख लें एक बार, ये वाली आपकी होंगी। मेन आपकी फोर डायरेक्शन होती हैं, इन फोर मेन डायरेक्शन की कुछ सब डायरेक्शन होती हैं। कौन सी? चार ही इनकी सब डायरेक्शन होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं। एक तो बेटा आपकी हो गई ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, आप इसको ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ, पर ज्यादातर बुकों में या आप कहीं देखेंगे तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लिखा होता है, तो ज्यादातर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ही लिखते हैं। गलत आपका ये भी नहीं लिखना ईस्ट नॉर्थ, वो भी आपका राइट है, 100% राइट है। ये वाला एरिया आपकी क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये वाली आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, करेक्ट, साउथ वेस्ट। ये आपने मेन डायरेक्शन देख ली और इन्हीं मेन डायरेक्शन की सब डायरेक्शन आपने देख ली। हाँ, अब इसको किस लेवल पे पढ़ेंगे? सबसे पहले आप देखिए, जब आपने मेन डायरेक्शन बनाई थी बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तब इनकी जो डिस्टेंस थी बेटा, हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 90 डिग्री का। ये भी आपका 90, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की दूरी कितनी थी? 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। आज सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, अभी तो 4 टाइम 90 90 इज इक्वल टू 360 होगा, राइट। अब इसके बाद आपने क्या देखा? इन्हीं फोर मेन डायरेक्शन की कुछ सब डायरेक्शन देखी। वो कौन सी है? ये वाली। और ये बेटा जो सब डायरेक्शन है ना, ये आपको 45 के मल्टीपल में दिखेंगे। कितने? 45 के मल्टीपल में। और अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर, ये 45 का एंगल बनाएगी तभी अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। हाँ, ये पूछना आपका बहुत जरूरी है कि सर अगर 45 का एंगल बनाएगी तभी हम बोलेंगे कि ये एरिया इसका नॉर्थ ईस्ट का है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका एंगल, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपका एंगल आप बना लो 1 डिग्री का, 1 डिग्री का एंगल बना लो, 2 डिग्री का एंगल बना लो, इवन आप 40 डिग्री बना लो और 90 से कम 89 बना दो, तो ये जितना भी आपका एरिया है बेटा ईस्ट से नॉर्थ के बीच में, जितना भी आपका ये एरिया है क्या कहलाएगा? सारा एरिया कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट का, करेक्ट। सारा ही एरिया आपका क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट का। आज सिमिलरली आप इधर भी आ जाओ, एंगल आपका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो पूरा यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है पूरा कितना कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट का। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया आपका कितना कहलाएगा? साउथ वेस्ट का। और आपको पता है साउथ वेस्ट लिखो या वेस्ट साउथ भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। इसके बाद इधर वाला एज सिमिलरली ये भी आपका कितना, कौन सा एरिया कहलाएगा? साउथ ईस्ट का एरिया कहलाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और जितने भी आपके ये क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे 45 एंगल या 90 के मल्टीपल पे ही आएंगे। अगर कोई इससे अलग कोई लैंग्वेज लिखी हुई है तो फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, करेक्ट। ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा अब बात आती है, ये तो आपने डायरेक्शन देख ली बेटा, फोर आपकी मेन डायरेक्शन थी और फोर ही आपकी इनकी सब डायरेक्शन थी, इनसे छोटी डायरेक्शन, और छोटी डायरेक्शन हमेशा आपके 45 के मल्टीपल में या 90 के मल्टीपल में हो सकती हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं, जैसे कि आपने कहीं आप ही ने देखा होगा कि एक राइट लिया एक लेफ्ट लिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इन शब्दों का यूज तो किया ही होगा,
और मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, जो रीजनिंग है आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, दैनिक जीवन से। तो अब देखते हैं बेटा, फिर से एक बार ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको वही वाला। बना लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। एक बात और आपको बता दूं, जैसे कि आपका लिखा था ईस्ट, EAST, तो आपको ईस्ट को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए कैपिटल ई आप लिखेंगे, इससे ही काम चलेगा आपका। पूरा पूरा आपको ईस्ट नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे आपका वेस्ट है तो कैपिटल W बना दो तो वेस्ट का ही साइन डिनोट होगा, मतलब कि वेस्ट को ये फॉलो करेगा। ऐसा ही आपका जैसे क्या था साउथ, तो साउथ में कैपिटल S, नॉर्थ हो गया आपका, नॉर्थ में आपको केवल N बनाना है कैपिटल, तो वो क्या कहलाएगा नॉर्थ, करेक्ट। अब बात आती है बेटा, पहले तो आपने आप ये देखो मेन डायरेक्शन इसकी कितनी थी, आपने कहा 4 थी, राइट। ये आपकी ईस्ट हो गई, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ पोल, करेक्ट। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि फिर हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो आपका 45 के मल्टीपल में जो था एंगल, तो इस एरिया को क्या बोला था आपने, नॉर्थ ईस्ट, या आप ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। ये आपका क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, करेक्ट, साउथ वेस्ट। अच्छा इसकी भी सब डायरेक्शन होगी, कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, करेक्ट। ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एक लेफ्ट का मतलब होता है, एक राइट का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक राइट का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जैसे कि आप मान लो सीधा जा रहे हैं, हाँ, अब आपको लेना है राइट, तो राइट आप ऐसे ही थोड़ा ना युग करके राइट का मतलब क्या, आप पूरा फिर घूम गए, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पूरा घूम गए और राइट में चलने लगे। जैसे कि आप सीधा है अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट घूमना है बेटा, तो लेफ्ट घूमेंगे तो क्या मतलब, लेफ्ट कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री आप घूमेंगे, तो लेफ्ट घूमेंगे तो पूरा ऐसे ही घूमेंगे ना, तब आप चले जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेक्ट। अभी आप जैसे कि सीधा चल रहे हैं, मैं कहूं कि आपको बैक साइड जाना है, अब तो क्या करेंगे आप 90 और फिर अगेन 90, तो कितना 90 टू बार आप राइट घूमे, हाँ टू बार राइट घूमे जब 90 से, तब आप बैक साइड पे गए, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा सिमिलरली आप जब लेफ्ट साइड से दो राइट 90 डिग्री घूमेंगे तब भी तो आप बैक साइड पहुंचेंगे, तो मतलब कहने का क्या हुआ, दो लेफ्ट बराबर दो राइट, इक्वल में दोनों बराबर होंगे, करेक्ट। अब आपको सारा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। एक राइट का मतलब बोलने का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक लेफ्ट बोलने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे पहले आपको ये याद रखना है, बाकी आप तक रीजनिंग अभी तक किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि रीजनिंग हम सिखाने वाले हैं किसी को, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा इतना कुछ याद रखना है ना, इतना ही अभी तक आपने पढ़ा है। अब बेटा बात आती है अपने चैप्टर की स्टार्ट करने की। ये तो सारा कुछ आपका बेसिक था, तो एक बार आपको फिर से बनाना पड़ेगा ग्राफ, बना लेते हैं। ये देखिए साइड में आपने ग्राफ बनाया, ये आपका क्या था ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ एंड दिस ये साउथ, करेक्ट। अब मैंने बेटा आपसे कहा कि एक पर्सन है जो कि नॉर्थ दिशा में खड़ा है, एक पर्सन जो कि नॉर्थ में खड़ा है, ओके, नॉर्थ में वो खड़ा है पर्सन। अब इस पर्सन को ईस्ट में जाना है, कहाँ पे, ईस्ट में,
तो कैसे देखो अभी वो नॉर्थ में चल रहा है, ऐसे समझाते हैं आपको। कोई डाउट नहीं होने देंगे हम। ये क्या था आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सबसे पहले अपना बेसिक लिख लो क्या लिखा था, एक राइट का मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक लेफ्ट का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपने ये प्रूफ भी कर दिया हमको, घुमा के रोटेशन करा दी मेरी। इसके बाद बेटा अब देखते हैं थोड़ा सा मेन मेन पॉइंट इसके। एक व्यक्ति है जो कि नॉर्थ में खड़ा है, कहां पे, नॉर्थ में एक पर्सन है, उस पर्सन को साउथ में आना है। साउथ में आना है तो बेटा कितना एक घूमेगा, पहले आएगा वो 90 और 90, मतलब दो राइट लिया तब आके कहां पहुंचा वो, साउथ में, करेक्ट। ये किससे आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सीधी दिशा से। और यहीं पे एक दूसरा पर्सन है, पर्सन टू, ये पर्सन वन, ये पर्सन टू, इस पर्सन को साउथ में ही जाना है, इस वाले पर्सन को भी साउथ में जाना है, पर कंडीशन है कि ये लेफ्ट साइड से जाएगा और ये राइट साइड से जाएगा। तो बेटा जब ये लेफ्ट साइड से आएगा तो वन लेफ्ट 90 डिग्री लिया और वन लेफ्ट 90 डिग्री और लिया, तो कहाँ फाइनली कहाँ पहुंचा, साउथ में। दोनों को आना ही साउथ में था, पर्सन वन और पर्सन टू दोनों आके मिल गए साउथ में। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, मतलब ये निकला कि दो लेफ्ट बराबर दो राइट और दो राइट बराबर दो लेफ्ट। समझ पा रहे हैं, ठीक है, दो लेफ्ट बराबर दो राइट, या ऐसे भी कह सकते हैं ना, दो राइट बराबर दो लेफ्ट, करेक्ट। इसके बाद बेटा अब देखो, इतनी बात हुई, अच्छे से समझते हैं। लंबे समय तक एक बार आप रीजनिंग पढ़िए, लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बैकअप प्रैक्टिस करने की आदत डालना पड़ेगी बस। इसके बाद देखिए, एक पर्सन वन नॉर्थ में है, दूसरा पर्सन वन टू वो भी नॉर्थ में है, दोनों को ही बेटा कहाँ, साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। कहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन में दोनों को जाना है, पर कंडीशन ये है कि पर्सन वन को क्लॉकवाइज घूम के जाना है, पर्सन वन को क्लॉकवाइज घूम के जाना है और पर्सन टू को एंटी क्लॉकवाइज घूम के आना है और वेस्ट में ही जाना है। इस वाले पर्सन टू को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखिए, पर्सन वन को चलाइए तो 90 डिग्री चला तो कहाँ पहुंचा, ईस्ट में, फिर से अगेन 90 डिग्री साउथ पहुंचा, फिर अगेन थर्ड टाइम 90 डिग्री जब चला तो कहाँ पहुंचा, वेस्ट में। पहुंचना दोनों को वेस्ट में ही, पर कंडीशन ये है बेटा, पर्सन वन को राइट हैंड साइड से जाना है, पर्सन टू को लेफ्ट हैंड साइड से जाना है और दोनों को पहुंचना है वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे कोई महिला मित्र इन दोनों का इंतजार कर रही है, करेक्ट। चलिए, पर्सन वन को चला दिया, कितना लिया 90 डिग्री और थ्री टाइम 90 डिग्री इसने लिया, तब जाके बेचारा पहुंचा, इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ी। पर पर्सन टू तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा और वो पहुंच गया, तो मतलब कहने का क्या हुआ, एक राइट बराबर, अभी यहां पे देखिए, एक लेफ्ट बराबर तीन राइट बेटा, हाँ देखिए, दोनों को वेस्ट में पहुंचना था, एक लेफ्ट बराबर तीन राइट, या तो आप तीन बार राइट घूम के आइए या आप दिमाग लगाइए पर्सन टू की जैसे कि महिला मित्र से जल्दी मिलना है इसे, जब तक ये बेचारा पर्सन वन आएगा मिलने तब तक तो ये मिल के चला जाएगा, शायद हो सकता है इसको लेके भी चला जाए साथ में, हाँ चलिए शायद लेके भी चला जाए साथ में। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया बेटा कि वन लेफ्ट बराबर थ्री राइट, और ऐसा भी कह सकते हैं ना, एक राइट बराबर तीन लेफ्ट। ईस्ट में पहुंचना है अगर दो पर्सन है, पर्सन वन की कंडीशन है कि ये राइट हैंड साइड से आए और पर्सन टू की कंडीशन है कि लेफ्ट साइड से आए, तो तीन लेफ्ट बराबर वन राइट और वन राइट बराबर तीन लेफ्ट, करेक्ट। चलिए,
इतनी बात हो गई। इसके बाद बेटा, इसके बाद तीन राइट बराबर एक लेफ्ट, तीन राइट बराबर एक लेफ्ट लिख चुके हैं ना, फिर से लिख देते हैं। और एक तीन लेफ्ट बराबर एक राइट, बार बार ही सारा लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब बात किसकी आती है, अब देखिए चार राइट बराबर किसके इक्वल में होगा, चार लेफ्ट बराबर किसके इक्वल में होगा। अब देखिए एक पर्सन है, कहाँ पी, एक पर्सन पी है आपका, उसको नॉर्थ में ही घूम के आना है। कहाँ पे आना है, नॉर्थ में ही घूम के आना है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमेगा, वो कंडीशन है। तो क्या 90 90 90, फोर टाइम 90, मतलब कि सेम डायरेक्शन में आ गया, जहाँ था बेटा वहीं पे आ गया। तो फोर राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, फोर राइट का मतलब क्या हो गया बेटा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब वैल्यू हो गई जीरो। और फोर लेफ्ट का एज अ सिमिलरली सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो वैल्यू क्या हो गई बेटा, इसकी भी हो गई जीरो, इसकी भी हो गई जीरो। तो एक बार इसके बाद थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है, रिमाइंडर का आता है बेटा, वो अभी जब क्वेश्चन आपको कराएंगे वहां पे क्लियरिटी करा देंगे। बाकी जितना कुछ भी पढ़ा है एक बार फिर से लिख लेते हैं, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, पूरे चैप्टर में ये जरूर याद रखना है कि एक राइट बराबर क्या होता है बेटा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक लेफ्ट बोलने का मतलब है बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पूरे चैप्टर में बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, करेक्ट। अब हमने क्या देखा बेटा, एक लेफ्ट बराबर राइट से ले लेते हैं, एक राइट बराबर तीन लेफ्ट, करेक्ट, एक लेफ्ट बराबर तीन राइट। इसके बाद क्या देखा, दो राइट बराबर, टू राइट बराबर अपोजिट डायरेक्शन बेटा, क्या अपोजिट डायरेक्शन, दो लेफ्ट बराबर दो राइट, दो राइट बराबर दो लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। दो लेफ्ट बराबर दो राइट बराबर दो लेफ्ट मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। और दो लेफ्ट बराबर दो राइट, अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। इसके बाद बेटा तीन राइट बराबर एक लेफ्ट, तीन राइट घूमिए या अपना दिमाग लगा के एक लेफ्ट घूम जाइए, करेक्ट। और तीन लेफ्ट बराबर बेटा एक राइट, करेक्ट। इतना बेटा अभी के फिलहाल अभी के लिए आपको माइंड में सिनेरियो बना के सेव कर लीजिए, ओके। अब बेटा आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि क्वेश्चन कर पाए, और आपको हम लेवल वाइज क्वेश्चन करवाएंगे टाइप वाइज। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा आपका लिखा, बहुत प्यारा है, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। क्या लिखा है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ। पहला क्वेश्चन है, आराम से इत्मीनान से समय दे के पढ़ लेते हैं बेसिक और ट्रिक से भी। इसके बाद तो आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन और बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। देखिए क्या लिखा, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉकिंग 80 मीटर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉकिंग 100 मीटर आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉकिंग 30 मीटर नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग एंड फेसिंग। ये आपका टाइप वन है, और टाइप वन में बेटा आपका हेडिंग भी डाल दीजिए, ये आपका क्या है बेटा, टाइप वन। और टाइप वन में बेटा पूछेगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग एंड फेसिंग, कि व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा था, अब फाइनली वह किस दिशा में चल रहा है, हा?
अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है ये पूछेगा। तो टाइप फर्स्ट में आपसे पूछेगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग एंड फेसिंग, मूविंग एंड फेसिंग, करेक्ट, ये आपका टाइप फर्स्ट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी लैंग्वेज। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टर्न्स टू, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स टू साउथ, एक व्यक्ति है जो कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। साउथ डायरेक्शन बोलने का बेटा बाय डिफॉल्ट मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति का लेफ्ट राइट नहीं होता, साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कंपेयर नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट साउथ कहने का मतलब हुआ नीचे जाएगा वो, नॉर्थ कहने का मतलब हुआ बाय डिफॉल्ट ऊपर जाएगा, ईस्ट कहने का मतलब हुआ बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड पे जाएगा, वेस्ट कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, ग्राफ बनाएंगे विधिवत तरीके से समझेंगे, इसके बाद आपको पता ये ट्रिक लगानी है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स टू साउथ, एक व्यक्ति है जो कि दक्षिण की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलता है। दक्षिण बोलने का बाय डिफॉल्ट मतलब है नीचे जाएगा बेटा, वो दक्षिण की ओर जा रहा है और बेटा 200 मीटर चलता है, कितना 200 मीटर आप 200 मीटर चलता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाई ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, दाई ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। चलिए मैं लग रहा है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, इससे पहले आपको फिर से एक बेसिक बता दें कि देखिए एक व्यक्ति है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताइए ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का वन लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा बताइए, और ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ का दो राइट क्या होगा, वेस्ट का, वेस्ट ऑफ, वेस्ट का तीन लेफ्ट क्या होगा बेटा बताइए। कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन है जो कि पहले आप ये करिए उसके बाद क्वेश्चन में पहुंचिए। नॉर्थ ईस्ट का वन राइट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए ये आपके क्वेश्चन है बेटा, जिसके आपको बेसिक क्वेश्चन है, जिसके आपको आंसर देने हैं, कि आपको आंसर देने हैं। चलिए सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाइए, बना लिया, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ है और ये साउथ है, करेक्ट। इसके बाद पहला क्वेश्चन की कंडीशन क्या बोली गई है, ईस्ट का लेफ्ट, और लेफ्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बात खत्म। तो बेटा ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ईस्ट आपका बेटा ये है और नाइन इसका क्लॉकवाइज बेटा इधर आओगे और एंटी क्लॉकवाइज बेटा पीछे जाओगे, करेक्ट। तो बोला क्या गया है, ईस्ट का वन लेफ्ट, तो ईस्ट का वन लेफ्ट घूमिए आप एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, नॉर्थ में, करेक्ट, कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ में। ईस्ट का वन लेफ्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ। अब सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, ईस्ट का वन राइट बेटा, तो ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट का वन राइट बोलने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ईस्ट से अब जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बेटा किस डायरेक्शन में आ जाएंगे आप, साउथ डायरेक्शन में चलने लगेंगे, कहाँ पे आ जाएंगे आप, साउथ डायरेक्शन में, करेक्ट। अब बेटा इसके बाद क्या पूछा गया है, साउथ का टू राइट, और आपने पढ़ा था क्या, एक लेफ्ट बराबर तीन राइट, करेक्ट, या तीन राइट बराबर एक लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट बराबर दो राइट, मतलब दो लेफ्ट बराबर अपोजिट डायरेक्शन,
तीन राइट बराबर एक लेफ्ट और एक लेफ्ट बराबर तीन राइट, करेक्ट। फोर राइट बराबर या फोर लेफ्ट बराबर एज अ सेम डायरेक्शन वैल्यू क्या होती है, जीरो, करेक्ट। साउथ का दो राइट, साउथ आपकी ये है और आपके पता है दो राइट या दो लेफ्ट बराबर अपोजिट डायरेक्शन, हाँ, और साउथ का अपोजिट क्या होता है बेटा, नॉर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ। देखिए ना, साउथ और साउथ से दो राइट घूमिए, एक राइट घूमा और फिर दूसरा राइट घूमा, तो कहाँ आ गए बेटा, किस डायरेक्शन में, फाइनली नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद आपके पूछा गया कि वेस्ट का तीन लेफ्ट, वेस्ट आपका कहाँ है, पहुँचिए आप, वेस्ट आपका ये है और वेस्ट का बेटा तीन लेफ्ट, और तीन लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट। या तो आप बेटा तीन लेफ्ट घूम जाइए या फिर बेटा आप एक राइट घूम जाइए, वैल्यू आपकी दोनों की सेम रहेगी, हाँ। तो वेस्ट का तीन लेफ्ट, तीन लेफ्ट घूम के देखते हैं, इधर से जाएंगे तो बेटा राइट हो जाएगा, इधर से आइए तीन लेफ्ट, वन लेफ्ट टू लेफ्ट एंड थ्री लेफ्ट, कहाँ पहुँचे, नॉर्थ डायरेक्शन में बेटा, कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद बेटा आपका थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट का वन राइट बेटा, नॉर्थ ईस्ट का वन राइट, इसको आपको अच्छे से समझना है, नॉर्थ ईस्ट का वन राइट क्या होगा बताते हैं अभी आपको, नॉर्थ ईस्ट का वन राइट, नॉर्थ ईस्ट का वन राइट बेटा, देखिए नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन, कौन सी साइड पे आएगा, मतलब कि किस वाले पार्ट में आएगा, तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट बेटा ये वाला अपना पार्ट होता है, हाँ, और 45 के मल्टीपल पे होते हैं ये सब डायरेक्शन आपकी। इसके बाद पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट का वन राइट, तो कई बच्चों का डाउट होगा कि बेटा नॉर्थ ईस्ट पहुंचे और नॉर्थ ईस्ट का वन राइट पहुंचे तो आंसर क्या टिक कर देंगे, ईस्ट, जो आपकी 100% रॉन्ग है, जो आपका 100% रॉन्ग है बेटा। सब डायरेक्शन है और सब डायरेक्शन अपनी 45 के मल्टीपल पे होती है, अभी जस्ट आपको बताया था, तो आप तो केवल 45 ही घूमे और नॉर्थ ईस्ट का राइट, राइट बोलने का मतलब है बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, करेक्ट, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहने का मतलब। तो अभी तो आप 45 घूमे, उसके बाद आप 45 और घूमिए आप, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 45 और 45 कितना, 90, अब आपका एक्यूरेट है और ये आपकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, करेक्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का वन राइट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का वन राइट हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है आपका साउथ ईस्ट का वन लेफ्ट, साउथ ईस्ट का वन लेफ्ट, साउथ ईस्ट आपकी ये वाली डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट का वन लेफ्ट, वन लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अभी आप इधर से जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, पर साउथ ईस्ट का बेटा वन लेफ्ट, तो वन लेफ्ट मतलब क्या, ऊपर जाएंगे ना आप, और 45 और 45 कितना होगा, 90, तो कहाँ फाइनली पहुंचे आप, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेटा, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आया, आई होप आया होगा, अब आप प्रिपेयर हो गए ढंग से, ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं पिछला क्वेश्चन अपना क्या था, इसमें इसमें आपको डाउट हो रहा था, चलिए अब क्लियरिटी आ जाएगी आपको। क्या है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड टू साउथ आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। हाँ, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, चला दो दक्षिण, दक्षिण बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट साउथ नीचे चलाएंगे आप, एक व्यक्ति है जो कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और 200 मीटर चलता है बेटा, कितना, 200 मीटर, 200 मीटर चलने के बाद, 200 मीटर चलने के बाद वह ही टर्न्स टू हिज राइट और नीचे जा रहे हैं, तो साउथ का राइट बेटा क्या होता है, साउथ का राइट होता है ये, अपना लेफ्ट इसका राइट, अपना लेफ्ट इसका राइट, इसको भी समझा दें क्योंकि पहला क्वेश्चन है बेटा, सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसी वजह से पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे चीजें किस मीनिंग पे आ रही हैं, क्या क्या करना पड़ सकता है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, करेक्ट। अब बात आती है कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का राइट क्या होगा,
हाँ, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या हो सकता है, राइट क्या हो सकता है, साउथ ईस्ट का लेफ्ट राइट क्या हो सकता है, हाँ वेस्ट का लेफ्ट क्या हो सकता है, साउथ वेस्ट का नॉर्थ लेफ्ट और या राइट क्या हो सकता है, अब बात उस पे आती है, करेक्ट। चलिए देखिए बेटा, ये अपना फिगर बनाइए पहले, तो ये आपके ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, करेक्ट। ये आपकी मेन डायरेक्शन है, ये आपकी बेटा मेन डायरेक्शन है, और इन्हीं चार मेन डायरेक्शन की बेटा चार सब डायरेक्शन होती हैं, जो कि सब डायरेक्शन 45 के मल्टीपल पे होती हैं, करेक्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका क्या, साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, करेक्ट, साउथ वेस्ट, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलिए एक बार और ग्राफ बना लो, लास्ट टाइम, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, करेक्ट। अब देखिए बेटा, कोई पर्सन है अगर उसको नॉर्थ डायरेक्शन में आप चलाओगे, नॉर्थ का मतलब क्या, ऊपर जा रहा है, तो बेटा ऊपर जाएगा तो सीधा ही जाएगा, तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड इसका होगा वेस्ट में और राइट हैंड साइड होगा इसका ईस्ट में, करेक्ट। अगर कोई व्यक्ति है नॉर्थ में जा रहा है बेटा, तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डायरेक्शन किधर होगी, तो बेटा अगर नॉर्थ में जा रहा है कोई पर्सन, नॉर्थ में, तो लेफ्ट हैंड की साइड इसकी होगी वेस्ट और राइट हैंड साइड इधर होगा, करेक्ट। इसके बाद अगर कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में बेटा जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो बताइए इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की दिशा किस तरफ होगी। तो चला दीजिए पहले तो आप ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में अगर जा रहा है बेटा, तो इसका जो ईस्ट डायरेक्शन में आप चलिए, तो राइट हैंड साइड किधर होगा, साउथ की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, तो राइट आपका ये हो जाएगा और लेफ्ट आपका ये हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद बेटा, इसके बाद अगर किसी कोई व्यक्ति आपका, या आप ही चल लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, रियल लाइफ से रिलेटेड है, दिनचर्या से, अगर आप साउथ में जा रहे हैं बेटा, अगर आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताइए इसका लेफ्ट और इसका राइट किधर होगा, बताइए। तो अगर आप ये कर देंगे, ये राइट और ये लेफ्ट, जो कि 100% रॉन्ग है, हंड्रेड परसेंट रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। देखिए अब आप देखिए साउथ डायरेक्शन में आप चल रहे हैं बेटा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब आप देखिए साउथ डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो आप एक बार उल्टा खड़े होकर देख लेना, इमेजिन कर लेना, एक्सपेरिमेंट, तो अपना लेफ्ट, अब जब सामने से देखेंगे तो अपना लेफ्ट इसका राइट होगा, अपना लेफ्ट बराबर इसका राइट, तो ये अब आपका, अभी जब सीधे देख रहे हैं तो ये राइट है, तो ये होगा लेफ्ट और ये राइट, अब देखिए ऊपर से आइए जब, करेक्ट। अब बात आती है वेस्ट की, तो उसको भी छोड़ दें क्या, ये नहीं, उसको भी देखेंगे ना बेटा। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, किधर, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा इसका जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा बेटा ये होगा, और राइट हैंड कहाँ होगा, ये साइड पे, करेक्ट। समझ में आया, फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड बेटा इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, साउथ, जस्ट इसका अपोजिट होता है साउथ। अगर कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा है, तो राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। अगर कोई पर्सन, व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका राइट हैंड साइड होगा साउथ डायरेक्शन की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड होगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, करेक्ट। अब बात आती है वेस्ट डायरेक्शन की, अगर कोई पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा, और राइट हैंड साइड की डायरेक्शन कहाँ होगी, नॉर्थ। फाइनली बात होती है यहाँ पे खत्म, इसको किया जाए ड्रॉप और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये कहाँगे अब भाई, ये है क्वेश्चन अपना, हमने क्या कहा था, पहले क्वेश्चन है, आप पूरा मुझे टाइम दे दो, अच्छे से विधिवत तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, उसके बाद तो आपको पता ही है, कुछ बच्चे होंगे जो कि हाँ
पहले से पढ़ चुके हैं रीजनिंग, तो कह रहे हैं सोच रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखना इसका लेवल कैसे बढ़ेगा भाई। हाँ, क्वेश्चनों का अभी तो इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जिसने अभी तक रीजनिंग पढ़ी भी नहीं होगी, कई इसमें ऐसे होंगे जिसने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, दोबारा देख रहे होंगे। हाँ, और कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो उनको हम ज़्यादा महत्व देंगे। हाँ चलो, ऐसा नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन को, देखो सॉल्व करो क्या लिखा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स टू साउथ, एक व्यक्ति है जो कि साउथ में जा रहा है। बहुत देर से पढ़ रहे हैं साउथ साउथ रिपीट कर रहे हैं, चला भी देते हैं भाई इसको। एक व्यक्ति है जो कि दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। चला दो। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स टू साउथ, साउथ करने का मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वो नीचे जाएगा बेटा। हाँ, और कितना चल रहा है, 200 मीटर चल रहा है, 200 मीटर चल रहा है। इसके बाद 200 मीटर चलने के बाद वह बेटा ही टर्न्स टू हिज राइट, एक लेफ्ट राइट लेता है, एक राइट लेता है और साउथ डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। तो इसका राइट किधर होगा, इधर बनाए, इधर वाला आएगा ग्राफ इसका। 200 मीटर चला दो और साउथ डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, और साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका लेफ्ट और राइट बताइए आप, जस्ट अभी पीछे स्लाइड में पढ़ा है। तो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसा ज़ूम कीजिए, अपना राइट बराबर इसका लेफ्ट होगा, करेक्ट। चलिए, अगर साउथ में जा रहा है तो साउथ का राइट क्या होगा, अगर कोई बच्चा इधर को सोच रहा है तो रॉन्ग है, नहीं बेटा वो साउथ इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। हाँ, साउथ का राइट इस डायरेक्शन में होगा और उसके बाद राइट मुड़ता है एंड 80 मीटर चलता है, राइट मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, करेक्ट। इसके बाद अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वह राइट मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब बताइए वह फाइनली किस डायरेक्शन में आ गया, वेस्ट में, और वेस्ट में जा रहा है तो इसका राइट हैंड साइड कहाँ होगा, नॉर्थ साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ डायरेक्शन में, करेक्ट। जैसा कि हिंदी पढ़ लो, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। हाँ, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड 100 मीटर चलता है। तो बताइए इसका राइट कहाँ होगा, ऊपर, और कितना चला बेटा, 100 मीटर। हाँ, इसके बाद 100 मीटर चलता है, आफ्टर इट्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब बताइए नॉर्थ में जा रहा है और नॉर्थ का लेफ्ट बेटा किधर होगा, इधर, और कितना चलता है, 50 मीटर। हाँ, 50 मीटर। फाइनली तब वह फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, फिर से वह फाइनली अंत में वह एक लेफ्ट लेता है। तो बताइए जब वह वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक लेफ्ट इसका किधर होगा, अब बताइए, ये नीचे की तरफ, करेक्ट, नीचे होगा, और कितना चला बेटा वो, 30 मीटर। तो अब पूछा गया है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो बताइए नीचे जा रहा है, नीचे जाने का बाय डिफॉल्ट क्या मतलब होता है, साउथ डायरेक्शन में, क्या, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको पता ही है क्या ऐसे करेंगे, इतना टाइम लेके क्वेश्चन करेंगे, ये तो टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा, पर नहीं, ये आपका था बेटा बेसिक, ये आपका था बेसिक। अब करेंगे इसी क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से बेटा, स्मार्ट अप्रोच से। चलिए देखिए, देखना कितनी जल्दी से क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है, कर पाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है, अ पर्सन इज गोइंग साउथ डायरेक्शन में, एक व्यक्ति है जो कि साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, करेक्ट। इसके बाद देखिए, जब मूविंग और फेसिंग पूछेगा, व्यक्ति की केवल मूविंग और फेसिंग जब पूछेगा, तब कितनी दूरी चला, कितने किलोमीटर चला, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है आपको, केवल मूविंग और फेसिंग के केस में टाइप वन चल रहा है अपना, करेक्ट। इसके बाद देखो, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स टू साउथ, ठीक है, एंड वॉकिंग कितना चल रहा है, कोई मैटर नहीं है आपका, ठीक है, राइट लेता है, एक राइट लिख लीजिए आप, एक राइट। फिर उसके बाद कुछ दूरी चलता, अगेन टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वह एक राइट लेता है, अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से एक लेफ्ट लेता है, फिर देखिए फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से एक वह लेफ्ट लेता है, फिर से एक लेफ्ट लेता है।
तो बेटा देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट और राइट आपस में कट हो जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट की वैल्यू आपस में कट हो जाती है। देखिए एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। कुछ बच्चे अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, इसका करने का कई सारा तरीका है, तो मतलब क्या हो गया, लेफ्ट राइट आपस में कट गए तो बचा क्या, साउथ, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे कर पाएंगे, आंसर तो अपना क्या आ गया बेटा, साउथ, ए नंबर। दूसरा आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि दो राइट बराबर अपोजिट डायरेक्शन, दो लेफ्ट बराबर अपोजिट डायरेक्शन, फिर भी फाइनली कट के आपका क्या आएगा, साउथ ही बचेगा, करेक्ट। तो अब आपको इस माध्यम से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट आंसर दीजिए। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स टू नॉर्थ, एक व्यक्ति है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, लिख लो, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, जब मूविंग और फेसिंग पूछेगा तो व्यक्ति कितनी दूरी चला, कोई मतलब नहीं आपको, लेफ्ट राइट केवल देखना है और आपस में कट हो जाएंगे, फाइनली जो बचा वही आंसर, ठीक है। ही टर्न्स टू हिज राइट, एक राइट लेता है, अगेन टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट लेता है, एंड वॉकिंग फाइनली फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वह एक लेफ्ट लेता है, ठीक है। अब पूछा गया नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग एंड फेसिंग, हिंदी पढ़ लीजिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर चला दिया, ठीक है, कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा दिया, हाँ, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं चला दिया, फिर अंततः वह अपने फिर से कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर, लेफ्ट मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, यह पूछा गया, अब वह किस दिशा में चल रहा है, चलिए आपको भी पता है लेफ्ट राइट आपस में कट हो जाएंगे, बचा क्या आपका राइट, और नॉर्थ का बेटा वन राइट का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट, क्या हो जाएगा बेटा, ईस्ट, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाँ, ईस्ट, पी नंबर, पूर्व दिशा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पूर्वी दिशा में जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, ही टर्न्स टू हिज राइट, कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, हाँ, राइट, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वह लेफ्ट लेता है और 70 मीटर चलता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वह एक राइट लेता है और 40 मीटर चलता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फाइनली अंततः वह फाइनली, हाँ, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह बेटा कहाँ मुड़ जाता है, लेफ्ट में, हाँ, और 20 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, हाँ, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए राइट और लेफ्ट को आपस में काउंट कर लीजिए और दोनों को कैंसिल करते हैं, देखो कैसे, एक राइट बराबर एक लेफ्ट, आपस में एक लेफ्ट और एक राइट कट जाएगा, एक राइट और एक लेफ्ट ये भी कट जाएगा, बचा क्या आपका, लेफ्ट। और बताइए बेटा नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, हाँ, और नॉर्थ ईस्ट का बेटा वन लेफ्ट, वन लेफ्ट, तो देखिए वन लेफ्ट कहने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आप फाइनली कहाँ पे आ जाएंगे, 45 और 45, तभी तो बेटा 90 होगा, और कहाँ पे आ गए आप, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, कहाँ पे आ गए आप, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। फिर से रिपीट कर दें, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, लेफ्ट, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का मतलब क्या हुआ बेटा, ऊपर जा रहा है, और ईस्ट का मतलब होता है राइट हैंड साइड पे जा रहा है, करेक्ट, नॉर्थ का मतलब ऊपर, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे, तो ये आपका ये एरो बन जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट का बेटा वन लेफ्ट क्या होगा,
वन लेफ्ट कहने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अभी अगर कोई बच्चा इसको ऐसे घुमा के केवल यहाँ नॉर्थ कह दिया तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप 45 डिग्री घूमे, हाँ, और आपको पूरा लेफ्ट घूमना है, एक एक लेफ्ट घूमना है ना, तो कहाँ पे आ जाएंगे आप? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलिए अपनी जर्नी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का एक कर्तव्य है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ पे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हाँ, कॉस्ट नहीं दे पाते हैं, कहीं जाके ऑफलाइन कोचिंग को नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब दूर घर से दूर रह के इतना उनके पास कॉस्ट देने के लिए नहीं है। तो उन मध्यम परिवार के बच्चों तक पहुँचाने की क्लास की जिम्मेदारी आपकी है और पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। और आपको बता दें कि ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपका यूपीएससी सीसेट का पेपर हो, बैंक का हो, हाँ, स्टेट लेवल में कोई भी हो, हाँ, गवर्नमेंट में हो, हाँ, इतने भी ऑल ओवर इंडिया में आपकी जहाँ कहीं भी रीजनिंग आती है, ये जर्नी आपके सारे एग्जाम को क्वालिफाई कराएगी भाई। हाँ, लेवल वाइज आपको पढ़ाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सारा कुछ आपको समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा समय दीजिए, पर आप इतनी मदद कीजिए कि लोगों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हाँ, मोटिव मेरा ये है कि उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बेचारे कहीं ऑनलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक जरूर पहुँचाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।